नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। चेहरे की साफ सफाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कोहनी, गर्दन और घुटने आदि पर ध्यान न देने से इसमें कालापन आ जाता है। दरअसल घुटनों, गर्दन और कोहनियों पर अक्सर लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता जितना चेहरे पर जाता है, लेकिन जब यह कालापन बढ़ने लगता है तो लोगों को कई जगहों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। घुटने, गर्दन और कोहनियों का कालापन दूर करने के लिए लोग तमाम तरह के उपायों को अपनाते हैं। मार्केट में आज कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जो घुटनों और कोहनियों का कालापन दूर करने का दावा भी करते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने में तमाम तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो आपकी स्किन के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे में इनका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता। घुटनों और कोहनियों का कालापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। आप बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से गर्दन, घुटने और कोहनियों का कालापन कम समय में दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं घुटनों और कोहनियों का कालापन दूर करने के लिए कैसे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटने और कोहनियों का कालापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा स्किन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके इस्तेमाल से आप बहुत कम समय में घुटने, गर्दन और कोहनियों का कालापन दूर कर सकते हैं। बेकिंग सोडा में मौजूद गुण स्किन पर जमा गंदगी को दूर करने और स्किन से डेड स्किन सेल्स को हटाने में बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन स्किन पर आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। घुटनों और कोहनियों का कालापन दूर करने के लिए आप बेकिंग सोडा को इन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा और नींबू। घुटने या गर्दन का कालापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा के साथ नींबू का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए आप एक चम्मच बेकिंग सोडा पाउडर लें, इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस पेस्ट को घुटने और कोहनियों पर अच्छी तरह से लगाएं। इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद पानी से साफ कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने से आपको फर्क दिखने लगेगा। बेकिंग सोडा और दूध। बेकिंग सोडा और दूध भी घुटने और कोहनियों का कालापन हटाने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में 2 चम्मच दूध मिलाएं और पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को कोहनियों पर अच्छी तरह से लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद साफ पानी से इसे धो लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से स्किन का कालापन दूर होगा। शहद और बेकिंग सोडा। कोहनी, घुटने और गर्दन का कालापन दूर करने के लिए बेकिंग सोडा में शहद मिलाकर लगाने से आपको फायदा मिलता है। इसके लिए आप 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से 10 मिनट बाद इसे पानी से साफ कर लें। इस पेस्ट को सप्ताह में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।